Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha vel-leyli izâ secâ. Mâ vadda'aka rabbuka ve mâ qâlâ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَأَوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله. میرے نہایت ہی عزیز وقار واجب الاحترام بزرگو دوست اور بھائیو, دنیا کے جس جس ملک میں بھی ناچیز کی آواز پہنچ رہی ہے, سبھی سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, سالکین, مریدین, محبین, مخلصین و خلفاء اور تمام دوست احباب, عزیز و اقربا, سبھی کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام سننے والے, دیکھنے والے میرے بھائیوں بہنوں کو شب برات شریف مبارک ہو. آج چونکہ شب برات شریف کی رات ہے, یاد رکھیں سب سے پہلی بات کہ امریکہ میں یا یو کے میں, چونکہ میں تو ابھی لائیو یو کے سے, ہیڈ آفس سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں, یو کے میں ہو, امریکہ میں ہو, کینیڈا میں ہو, کسی لحاظ سے بھی ہم عید الفطر, عید الاضحیٰ, شب معراج شریف, شب برات شریف پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتے, کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ چاند جو ہے وہ بعد میں نظر آتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو ارشاد فرمایا, چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی عید کرو. اور یاد رکھیں میرے بھائیو, اللہ کریم نے یہ چاند کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ پورے سال میں مہینوں کا خیال رکھا جائے, دنوں کا لحاظ رکھا جائے, تاریخ کا پتہ چلایا جا سکے. ہمارے بہت سارے بھائی گو ہمارے عقائد سعودی عرب کی حکومت سے نہیں ملتے, لیکن چاند کی تاریخ میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے, نہ ہو سکتا ہے. چاند جب نظر آ جائے گا وہ تو نظر آ جائے گا. اور یاد رکھیں یو کے میں ہمیشہ ایک دن پہلے شب برات ہوگی, شب معراج ہوگی. پاکستان میں جب وہ دیکھ کے اعلان کرتے ہیں, قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو چیئرمین رؤیت حلال کمیٹی ہیں اور بھی دیگر تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام, جب وہ چاند کو دیکھ کر اعلان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں چاند نظر آ گیا.
तो ये भी बात यकीनी है कि उससे पहले सऊदी अरब में या अमेरिका में, कनाडा में, यूके में चांद जो है वो नजर आ चुका है। पाकिस्तान में कल शबे बरात शरीफ है, इधर यूके में आज है, और याद रखें रात पहले आती है, कल दिन है, दिन को रोजा रखने की बड़ी फजीलत है। इंशाल्लाह आज आपके सामने इसलिए हाजिर हुआ हूं कि शबे बरात शरीफ के मुतल्लक मुफस्सल तरीके से बयान किया जा सके। बयान शुरू करने से पहले तलावत कलाम पाक अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, और सोच रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वबारक सल्लम की बारगाह में एक नात शरीफ भी पेश की जाए, ताकि जो हमारा अहले सुन्नत का तरीका है या जो तरीका है अल्लाह के रसूल ने भी बताया, दुआ मांगनी है तो अल्लाह की तस्बीह बयान की जाएगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जाएगा, और फिर जो भी आप दुआ मांगेंगे, इबादत करेंगे, तकारीर करेंगे, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। सभी दस दोस्त अब मेरे साथ मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ें, और ये एक कलाम जो है वो आपके सामने पेश करता हूँ। ये रफीक जिया साहब का कलाम है और आपके सामने पेश करता हूँ। आप सभी दोस्त मोहब्बत से मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं मानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं, मैं मानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं, मैं मानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं, नबी के दर का मैं नौकर हूँ कोई आम नहीं, नबी के दर का मैं नौकर हूँ कोई आम नहीं, वो मेरे जैसे को भी अपने पास रखते हैं, मेरा नसीब भी आला है कोई आम नहीं, मेरा नसीब भी आला है कोई आम तेरा पटा है गले में तो लोग जानते हैं, तेरा पटा है गले में तो लोग जानते हैं, वगर न कर किसी से कोई कलाम नहीं, वगर ना करता किसी से कोई कलाम नहीं, वजद में होश ना हो फिर होश रहता है, वजद में होश ना हो फिर भी होश
मैं हूँ पर मैं बेलगाम नहीं, गुलाम का मैं हूँ पर मैं बेलगाम नहीं। इसे करम कहूँ या मौजज़ा कहूँ यारो, इसे करम कहूँ या मौजज़ा कहूँ यारो, उसे खरीदते हैं जिसका कोई दाम नहीं, उसे खरीदते हैं जिसका कोई दाम नहीं। जहां भी बैठ गए उनका जिक्र हो लगा, जहां भी बैठ गए उनका जिक्र होने लगा, वो खुद ही करते हैं मैं करता इंतजाम नहीं, वो खुद ही करते हैं मैं करता इंतजाम नहीं। अर्ज किया है, और मेरे तो सीने में है खाक सब्ज गुंबद की, और मेरे तो सीने में है खाक सब्ज गुंबद की, ये बोलती है ज़िया ये तेरा कलाम नहीं, ये बोलती है ज़िया ये तेरा कलाम नहीं। नबी के दर का मैं नौकर हूँ कोई आम नहीं। दुरूद पाक अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लम अलैहि कसीरन कसीरन कसीरा। दोस्तों भाइयों, बयान शुरू करने से कबल ये भी एक नाचीज की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इत्तला है कि अल्लाह के फजल से मैं इधर यूके में लंदन में खैर खरीत से हूँ। वैसे हालात कोरोना वायरस की तरफ से वो की वजह से ठीक तो नहीं है। तकरीबन 5,000 से ज़्यादा बंदे जो हैं वो बंदे मर्द और औरतें ये कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं, और जो मुसलमान हैं वो तो शहीद हो चुके हैं, और जो गैर मुस्लिम हैं वो जान की बाजी हार गए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी नागहानी आफत के ज़रिए से जो दुनिया से चला जाए उसको शहीद फरमाया है, बशर्त ये कि वो मुसलमान हो। तो अमेरिका में भी 10,000 से ज़्यादा आदमी हलाक हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से अभी तक खैरियत से हूँ, आपके सामने बैठा हूँ और दुआ फरमाएं। अभी तो कोई दीन का काम भी ख़ास नहीं किया, दीन का काम करना है, कुछ कुतब हैं वो तरतीब दी हैं वो छपवानी है, इसी तरह जब वक़्त आएगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की आरजू ना करो, कि हो सकता है कि अगर तुम नेक हो तो अपने दराजात अल्लाह की बारगाह में बुलंद कर लो, और अगर गुनाहगार हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करके अपने रब को राज़ी कर लो। तो इसलिए मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए,
जितनी जिंदगी अल्लाह ने लिखी है वो तो जितनी लिखी है वो तो उतनी पूरी हो जाएगी तो चले जाएंगे। जाना तो है, आखिर जाना है। ना पैगंबर इधर रहे, ना ही औलिया इकराम इधर रहे, ना ही आज तक अरबों के हिसाब से लोग इस दुनिया में आए वो इधर रहे। सभी ने जाना है, अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन ये ज़िंदगी है कि आखिरत में महल्लात बनाने की, आखिरत में अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होने की, अल्लाह ताला जल्ला शान की बारगाह में अपने रुतबे बुलंद करने की ये ज़िंदगी है। तो आज शब बरात की रात इंशाल्लाह तकरीबन 30 अहादीस मुबारक के मफहूम में जो नचीज़ ने आपके सामने चीज़ें तरतीब दी हैं वो भी पेश करूँगा, और शब बरात शरीफ की फजीलत और अल्लाह ताला जल्ला शानू ने किन किन मुकामात के ऊपर जो है वो किन रातों को किन चीज़ों को मुबारका फरमाया तो वो आपके सामने पेश करता हूँ। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه مباركه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من تحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 حسب سابق درود پاک کی فضیلت میں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص روز محشر کو اتنا ہی میرے قریب ہوگا جو جتنا مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بے شمار معجزات ہیں اور انعامات ہاشمی و مطلبی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہمیں انعامات عطا ہوئے اور نیکی کے مواقع عطا ہوئے اور اپنے درجات کی بلندی کے مواقع عطا ہوئے بے شمار ہیں، بہت سارے ہیں۔ ان کو اگر شمار کیا جائے تو ایک ایک امر میں بہت سارے مواقع موجود ہیں، جیسا کہ اگر حج و عمرے کا ذکر کیا جائے، روزے کا ذکر کیا جائے، اسی میں حج و عمرہ فرضی یا نفلی، روزہ ہے فرضی یا نفلی، نماز فرضی یا نفلی، زکوٰۃ فرضی یا صدقہ و خیرات، اس طرح ذکر الہی، تو اس کی کثرت، بہت سارے مواقع ہیں۔ ان تمام مواقع اور انعامات میں سے یہ ایک انعام اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہاشمی و مطلبی انعام عطا کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شب برات شریف، آج کی رات، شب برات کی رات۔ تو اس کی فضیلت میں جو 30 احادیث مبارکہ کے ضمن میں نچیز نے جو چند چیزیں آپ کے سامنے ترتیب دی ہیں وہ آپ کے ساتھ بیان کروں گا، اور آج کا بیان اس طرح ہے کہ پہلے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں تلاوت کلام پاک بھی ہو گئی، نعت شریف بھی پیش کی گئی، اور درود پاک کی فضیلت میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، درود پاک کی کثرت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر، جو مسلمان میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ ومن صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینینہ براءہ من النفاق وبراءہ من النار واسکنہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی، جو مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ جل شان اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو 10 مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ جل شان اس پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا اللہ تعالیٰ جل شان اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور روز محشر کو اسے شہداء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، بے شمار معجزات جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے جن کا ظہور ہوا۔ لیکن یاد رکھے
याद रखें कि अगर किसी ने मौजजा तलब किया है तो वो कुफार थे जिन्होंने मौजजा तलब किया, मुनाफकीन थे वो मौजजा तलब किया है, किसी मोमिन ने सहाबी ने मौजजा तलब नहीं किया। यहाँ पे एक पॉइंट या एक नुक्ता ये भी याद रख लें कि इसी तरह जो मुरीद सादिक है वो अपने पीर से करामतें नहीं चाहता और कई करामतें देखकर भी भाग जाते हैं, ऐसे भी होता है, लेकिन उनकी गर्ज़ो गायत सिर्फ दुनिया होती है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के बेशुमार मौजज़ात जो कि जक के बाद दीगर आपके सामने बयान कर चुका हूँ, इसी तरह ये फूल सामने पड़े हैं, इसके मुतल्लक अगर हम मौजज़ा कोई देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया कि जो गुलाब के फूल को देखे और मुझ पर दरूद ना पड़े गोया कि उसने मुझ पर जुल्म किया। और ये हमारे मुआशरे में गुलाब के फूल की पत्तियां निछावर करती हैं, पाँव के नीचे आती हैं, रोंदी जाती हैं, ये सख्त गुस्ताखी है, क्योंकि गुलाब के फूल की खुशबू ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक की नकल है। और मौजज़ा क्या है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का पसीना मुबारक गुलाब के खुशबू की, जो गुलाब की खुशबू है उससे कहीं आला अरफा है, और जिस रास्ते से आप गुजर जाते वहाँ से खुशबुएं आना शुरू हो जाती, रास्ते मुअत्तर हो जाते, यहाँ तक के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जब आपको तलाश करना चाहते तो मदीना पाक की गलियों में आपकी खुशबू को देखते 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 हासिल करते करते वो आप तक पहुँच जाते। ये भी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा है। आज के बयान में पहले तो कुरानी आयात की रोशनी में जो मुबारका का जिक्र किया गया है, लैलत मुबारका है या कोई जगह का, बरकत वाली जगह का जिक्र किया गया है, बरकत वाले शहर का जिक्र किया गया है, बरकत वाले पानी का जिक्र किया गया है, वो चंद चीज़ें आपके सामने बयान करते हुए, फिर दूसरी जगह पे अहादीस की रोशनी में वो जो 30 अहादीस की रोशनी में जो चीज़ें ना चीज़ ने 26 चीज़ें मुरतब की हैं, 25 चीज़ें वो आपके सामने, यानी उन अहादीस का मफहूम वो आपके सामने बयान करूँगा। अगर उसको तरतीब से बयान करें तो उसके लिए वक़्त दरकार है, लेकिन याद रखें कि ये अहादीस की रोशनी में चीज़ें तरतीब दी गई हैं। नंबर 3 कि आज की रात की इबादत वो किस तरह करनी है और किन चीज़ों में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फजीलत बयान फरमाई गई, वो इंशाल्लाह 3 चीज़ें आपके सामने बयान करनी है। मोहब्बत से और शौक़ से बैठें, शुरू से आखिर तक बयान को सुनें, अल्लाह ताला जल्ला शानु मुझे भी और आपको भी दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आयत करीमा आपके सामने जो तलावत की है, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारका सदकल्लाहु अज़ीम, के इस रात को यानी इस मुबारक रात में अल्लाह करीम ने कुरान ज़िमुशान को नाजल फरमाया है, वल किताबुल मुबीन और कसम के साथ बयान फरमाया कि गोया के कुरान ज़िमुशान तो 23 साल में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पे नाजल हुआ, लेकिन याद रखें कि जिस तरह जिस मौके पे जिस अमर की ज़रूरत पड़ी अल्लाह करीम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से वो पैगाम, वो आयत, वो हुक्म, वो कुरान का हिस्सा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर नाजल फरमा दिया। तो हामीम हरूफ मुकत्तआत हैं, वल किताबुल मुबीन इस रोशन किताब कुरान ज़िमुशान की कसम के साथ अल्लाह करीम ने फरमाया कि हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में नाजल फरमाया है, और ये शबे बरात में भी नाजल हुआ और लैलतुल कद्र में भी नाजल हुआ और मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, जैसा कि गारे हिरा कहाँ पे है कि गारे हिरा और गारे सौर ये मक्का पाक में है, तो गारे हिरा में भी कुरान नाजल हुआ और गारे सौर में भी कुरान नाजल हुआ। गारे हिरा में क्या नाजल हुआ, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, और गारे सौर में ला तखफ इन्नल्लाह माना, जो अल्लाह करीम ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के ऊपर आयत नाजल फरमाई जबकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में उन दुश्मनों से महफूज रहने के लिए आराम फरमा रहे थे, इस्तराहत कर रहे थे, एक
तवक्फ किया, ठहरे, कुछ वक्त गुजारा। उस मौका पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजल हुआ और उस मौका पे अल्लाह करीम ने अपने महबूब को तसल्ली दी और अपने महबूब के प्यारे यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को तसल्ली दी कि खौफ ला तखफ इन अल्लाह माना, कि खौफ ना खाओ, अल्लाह ताला जल्ला शानो हमारे साथ है। और दूसरी जगह पे महाजा जिक्र मुबारक अंजलनाहु, तो ये कुरान बरकत वाली रात में अल्लाह करीम ने, बरकत वाले यानी मौके पे अल्लाह करीम ने नाजल फरमाया। महाजा जिक्र मुबारक, और ये बरकत वाला जिक्र है जो कि नाजल किया गया है। तीसरी जगह पे वानजलना मिनस समाई मान मुबारकन, वानजलना मिनस समाई मान मुबारकन, अल्लाह ताला जल्ला शानु जो आसमान से पानी उतारा उसको भी बरकत वाला फरमाया गया। और एक मौका के ऊपर क्या फरमाया गया, वजअलना मिनल माय कुल्ल शयइन हय्यन अफला युमिनून, हमने हर जिंदा चीज को बनाया तो क्या ये लोग यकीन नहीं रखते। यानी वजअलना मिनल माय, और हमने बनाया पानी से हर जिंदा चीज को, व कुल्ल शयइन खलक्तु मिनल माय, कि हर चीज को अल्लाह ताला जल्ला शानु जानू ने पानी से पैदा फरमाया है। तो इसी तरह शजरत मुबारक तिन जैतून तिन, कि वो जैतून का दरख्त जो अल्लाह करीम ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा तो उस वक्त अल्लाह करीम ने उसको पैदा फरमाया, वो जैतून का दरख्त कि जिसका फिर फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाया उसको भी बरकत वाला फरमाया गया है। इसी तरह ये जब हजरत बीबी मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हो गई तो हजरत बीबी मरियम एक दरख्त के नीचे, खजूर का दरख्त था, खुशक था, एक तना था, बस वहीं पे आप ठहरी तो अल्लाह कुरान करीम ने उसे सरसब्ज कर दिया और उसको फल भी लगा दिया और वहां पे पानी का चश्मा भी जारी फरमा दिया। तो वो भी एक मौका अल्लाह करीम ने बरकत वाला फरमाया है। तो बरकत के लिए तलावत किए देता हूँ, फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी कद जाल रब्बुका तहतकी सरियन व हुज़्ज़ी इलैका बिजज़ नखलति तुसाक़ित अलैकि रुतबन जनियन फकुली वश्रबी व कर्री आईना। अल्लाह करीम ने हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलामुल्लाह अलैहा को क्या पैगाम दिया, क्या उनके ऊपर वही नाजिल हुई, दरख्त के नीचे से मरियम को पुकारा कि गमगीन न हो, तेरे रब ने तेरे नीचे चश्मा जारी कर दिया है और दरख्त खजूर के तने को हलाकर तेरे ऊपर, यानी आप खजूर के जो दरख्त है उसके तने को आप हलाएंगी तो आपके ऊपर पकी हुई खजूरें जो है पके हुए फल गिरेंगे, बस खा पी और बच्चे से आंखें ठंडी कर। तो ये बरकत वाली आज की रात बरकत वाली रात है। और जैसा कि आज की रात में ये भी फरमाया गया कि युफ्रगु कुल्लु अमरिन हकीम, कि अल्लाह करीम आज की रात तमाम जो अमर हैं उनको मुकर्रर फरमाता है। सारे साल के काम फरिश्तों के सुपुर्द किए जाते हैं, आज की रात तरतीब दी जाती है, जिसने दुनिया के ऊपर आना है, जिसने दुनिया के ऊपर जाना है, किसने हज को जाना है, किसकी शादी होगी, किसकी मौत होगी, ये सारी चीजें मुकर्रर की जाती हैं आज की रात। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी ने इरशाद फरमाया कि जब मेरे मुतल्लक अल्लाह करीम चीज मुकर्रर फरमाए, मेरी तकदीर मुकर्रर फरमाए, तो मेरी ये तमन्ना है कि मेरी हालत रोजे की हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह रोजा रखते थे और शाम को इबादत करते थे कि सजदा रेजी की हालत मेरी हो और मेरे मुकद्दर लिखे जाएं। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो ये चंद आयात कुरानी जो कि आपके सामने तिलावत की गई हैं कि युफ्रगु कुल्लु अमरिन हकीम, के फीहा युफ्रगु कुल्लु अमरिन हकीम, कि इसमें जो तमाम साल के आइंदा आने वाले साल के जो हैं वो काम अल्लाह करीम उसका अमर फरमाता है, हुक्म फरमाता है। और इज़राइल अलैहिस्सलाम को एक लिस्ट दी जाती है कि जिसमें आइंदा साल में जिनकी जान निकालनी है उनकी लिस्ट दी जाती है। अहदीस की रोशनी में आज की रात के मुतल्लक के उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया
कि निसफ शाबान की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी चादर के अंदर से खामोशी के साथ बाहर निकल गए। खुदा की कसम, मेरी चादर ना हरीर की थी, ना कज की थी, पोस कतान की, ना खज की, ये चारों किस्में रेशमी कपड़ों की होती। एक किस्म बयान फरमाई कि मेरे ऊपर तो जो कपड़ा था वो एक बड़ा ही नरम और मुलायम था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही आराम से वो उस चादर से यानी निकले। और अरवा ने कहा कि मैंने कहा सुभान अल्लाह, फिर किस चीज की थी? फरमाया उसका ताना बालों का था और ना और बाना ऊंट के ऊन का। तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने उसके बाद फरमाया, मेरा गुमान हुआ कि हजूर वाला किसी और बीबी के पास तशरीफ ले गए हैं। आप हक तो रखते थे ना, लेकिन याद रखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही नफीस तबीयत के मालिक थे, जो रात जिसका हक होती उसी के पास ही आप ठहरते। तो मेरे दोस्तों भाइयों, इस हदीस पाक में बयान फरमाया गया कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने बयान फरमाती है कि मैंने उठकर खिड़की से यानी तलाश किया तो मेरे हाथ, यानी जब मैं उठी तो मैंने उठकर खिड़की से देखना चाहा तो मेरे हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक पर पड़ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सजदे में पड़े हुए थे। ये निसफ शाबान की रात की बात। आप बाज लोग कहते हैं कहाँ पे लिखा है, किधर लिखा है, कहाँ पे, भाई लिखा हो या ना लिखा हो, इबादत तो हर रात बंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता। और जब शबे बरात निसफ शाबान की रात की फजीलत अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने बयान फरमाई है और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत फरमाई है, तो फिर उसमें बेहतर यही है कि बंदा आराम से खामोशी से अपने रब को राजी करने के लिए इबादत करे, ना कि इधर उधर के हीले बहाने बनाए। तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने बयान फरमाती हैं कि मेरा जो हाथ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव पर पड़ गया, उस वक़्त आप सजदे में थे और मैंने आपकी दुआ के अल्फाज याद कर लिए। यानी अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम तमाम अंबिया के सरदार, मकसूद कायनात, महबूब रब्बुल आलमीन, रहमत लिल आलमीन, लेकिन आजजी इंकसारी की हद देखें अल्लाह की बारगाह में किन अल्फाज से दुआ फरमा रहे हैं, जरा गौर से समात फरमाइए। कह रहे थे मेरे जिस्म और दिल ने तुझे सजदा किया, मेरा दिल तुझ पर ईमान रखता है, मैं तेरी नेमतों का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का इतराफ करता हूँ, और मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, मुझे बख्श दे, तेरे सिवा गुनाहों को कोई बख्शने वाला नहीं, मैं तेरे अजाब से तेरे अफू की और तेरी सजा से तेरी रहमत की और तेरे गजब से तेरी रजामंदी की और तुझसे तेरी ही पनाह चाहता हूँ। मैं तेरी तारीफ का आता नहीं कर सकता, तू वैसा ही है जैसी तूने अपनी सना की है। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने बयान फरमाती हैं कि सुबह तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही नमाज में खड़े होते और बैठते रहे, यहाँ तक के पाँव सूज गए, यहाँ तक के पाँव सूज गए, पाँव के ऊपर वर्म आ गया। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलि व बारिक वसल्लम, यहाँ तक के पाँव सूज गए। फरमाती हैं मैं पाँव को दबाती हुई कहने लगी, मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ नहीं कर दिए? तो क्या अल्लाह ने आपके साथ ऐसी रहमत नहीं की है? क्या ऐसा नहीं? इरशाद फरमाया हज़रत आयशा, फरमाया आयशा तू क्या, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, तो क्या मैं अपने रब का खुद शुक्र गुजार ना बनूं? अल्लाह अकबर, क्या तुम वाकफ हो कि इस रात में क्या क्या मैंने अर्ज किया, क्या क्या है? फरमाया जो बच्चा इस साल पैदा होने वाला होगा और जो शख्स मरने वाला होगा वो इस रात में लिख दिया जाएगा, लोगों के रिजक इस रात को नाजुल होंगे और लोगों के अमाल की पेशी होगी। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह की रहमत के बगैर कोई शख्स जन्नत में नहीं जाएगा? फरमाया अल्लाह की रहमत के बगैर कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मैंने अर्ज किया और आप भी नहीं? फरमाया मैं भी नहीं, सिवाय इसके कि अल्लाह अपनी रहमत मुझ पर ढांप दे। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक अपने सर और चेहरे पर फेरा। ये हदीस मुबारक। इस हदीस पाक को अबू नसर ने अपने वालिद की इस्नाद से हवाला यही बिन सईद
आज अरवा बयान किया है कि उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है। और ये हदीस बागुनियादु तालिबीन में हज़रत गौसु सकलैन शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला ने लेके आए। एक और हदीस पाक आपके सामने बयान करता हूँ, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं, यानी उनका बयान है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निसफ शाबान की रात को मेरे पास जिब्राइल आए और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाओ। मैंने कहा कि ये कैसी रात है? कहने लगे कि इस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है। ये निसब शाबान की रात अल्लाह करीम रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है, और सवाए जादूगर और काहिन और आदि शराबखोर और उस शख्स के जो सूदखोरी और जनाकारी पर इसरार रखता हो, हर गैर मुशरक की मगफरत फरमा देता है, सिर्फ इन मुस्तस्ना कि इन लोगों के अलावा कि मगफरत, यानी कि लोगों की मगफरत के बगैर तोबा किए नहीं की जाती। जब ये जो लोग मसलन जो जादूगर हैं, काहन हैं, आदि शराब खोर हैं, जानी हैं, शराबी हैं, सूद का कारोबार करते हैं, लेते हैं, देते हैं, फरमाया उनकी इस रात मगफरत नहीं होती ता वक्त के वो सच्ची तोबा करके, तोबा तनसू करके अपने आप को हमेशा के लिए उन गुनाहों से मोड़ लें, तो अल्लाह करीम जो है वो बख्शने वाला है। जब चौथाई रात हो यानी हुई, तो जिब्राइल उतरे और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाओ। ऊपर को सर उठाकर देखा तो जन्नत के दरवाजे खुले नजर आए। पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता नदा दे रहा था, खुशी हो उसके लिए कि जिसने रात को रुकू किया, और दूसरे दरवाजे पर एक और फरिश्ता पुकार रहा था, खुशी हो उसके लिए जिसने रात में सजदा किया। तीसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता नदा दे रहा था, खुशी हो उसके लिए जिसने इस रात दुआ की, अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजात मनाजात दुआएं जो हैं वो पेश की हैं। चौथे दरवाजे पर फरिश्ता नदा दे रहा था, खुशी हो उस इस रात में जिक्र करने वालों को। पांचवें दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, खुशी हो उसके लिए जो इस रात में अल्लाह के खौफ से रोया, इस रात को अल्लाह के खौफ से रोया, अल्लाह अकबर। छठे दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, खुशी हो इस रात में मुसलमानों के लिए। सातवें दरवाजे पर फरिश्ता नदा लगा रहा था, क्या है कोई मांगने वाला कि उसकी मांग पूरी की जाए। आठवें दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, क्या है कोई माफी का तलबगार कि उसके गुनाह माफ किए जाएं। तो मैंने कहा, जिब्राइल ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? जिब्राइल ने कहा, अव्वल शब से तुलुए फजर तक। उसके बाद जिब्राइल ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में दोजख से मिन जानिब अल्लाह रहाई पाने वालों की तादाद बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर, अल्लाह अकबर। यहाँ पे बनी कलब की बकरियों के बराबर फरमाया गया। और एक हदीस मुबारक में मुख्तलिफ रवायात में जो लैलतुल कद्र में बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह करीम जो है वो लोगों को मगफरत फरमाता है, उनको जहन्नम की आग से आजाद फरमाता है। आज की रात 300 रहमत के दरवाजे खुलते हैं, फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आठों जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, हर दरवाजे के ऊपर नदाएं और सदाएं दी जाती हैं कि इबादत करने वालों को मुबारक हो, सजदा रेजी करने वालों को इबादत मुबारक हो, जिक्र करने वालों को मुबारक हो, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब करने वाले और आंसू बहाने वालों को, यानी उनको खुशी हो, उनको मुबारक हो। और इसी तरह हर जन्नत के दरवाजे से जो आपके सामने पेश किए गए हैं वो नदा दी जाती है। ये दो चीज़ें अहदीस, दो अहदीस मुबारक और कुरानी आयात का तर्जमा ये आपके सामने बयान किया गया है। और अब मैं आपके सामने वो 30 चीज़ें, वो 25 चीज़ें जो 30 अहदीस की रोशनी में नाचीज़ ने तरतीब दी हैं समझने के लिए, या तमाम मुसलमानों को समझने में आसानी हो जाए कि ये जो ये शाबान मुबारक के महीने के मुतल्लिक और निसफ शाबान की रात के मुतल्लिक, कि इस माह में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे। वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमेरात को, हर पीर को रोज़ा रखते थे,
कि फरमाया कि इस रोज अल्लाह की बारगाह में अमाल पेश किए जाते हैं और मेरी ये तमन्ना है कि जब मेरे अमाल पेश किए जाएं तो मेरी हालत रोजे की हो। इसी तरह याम बैस के रोजे, चांद की 13, 14 और 15 तारीख का दिन का रोजा रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अय्यामे बैस के रोजे रखे गोया कि उसने दहर का रोजा रखा, हमेशा का रोजा रखा, को पूरे महीने रोजे रखने के बराबर सवाब है। और 3 रोजे आप रखें तो पूरा महीना रोजे रखने के बराबर सवाब है। चांद की 13, 14 और 15, जैसा कि आज 14 गुजर गई और सुबह 15 शाबान मुकर्रम है, इस एक दिन का रोजा जो है इसकी फजीलत भी 2 साल के रोजे रखने के बराबर फरमाई गई है। इस माह शाबान में बाकी मरने वालों के नाम मलकुल मौत को दिए जाते हैं। नंबर 3, इस माह शाबान में आदमी का नाम जिंदों की फहरिस्त से मुर्दों की फहरिस्त में दाखिल किया जाता है, हालांकि बंदा सफर कर रहा होता है, सफर में मुबतला होता है, सफर कर रहा उसे इलम नहीं होता, लेकिन उसका वक्त अल्लाह करीम पूरा फरमा देता है कि उसका नाम इज़राइल को अल्लाह करीम दे देता है। नंबर 4, रमजान के अलावा शाबान और मुकर्रम के रोजे अफजल सयाम फरमाए गए, तमाम रोजों से अफजल हैं। नंबर 5, शाबान मुबारक के 2 शंबे का रोजा रखने वाले की अल्लाह ताला मगफरत फरमा देता है। शंबा, यक शंबा और 2 शंबा, जुमातुल मुबारक होता है ना, उसके बाद हफ्ता जो है शंबा, अतवार यक शंबा, पीर 2 शंबा, सह शंबा 4 शंबा, 5 शंबा, हाँ जी, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और फिर जुम्मा, हाँ जी। तो ये जो है वो इन रोज़ों की फजीलत फरमाई गई कि पीर के रोज़े की बड़ी फजीलत फरमाई गई है और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का जो 2 शंबे का रोज़ा रखता है शाबान मुबारक के, यानी आखिरी अशरे के जो यानी 2 शंबे का रोज़ा जो रखता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला जल्ला शानहु उसकी मगफिरत फरमा देता है। ये सारी चीज़ें अहदीस की रोशनी में आपके सामने बयान कर रहा हूँ। नंबर 6, शाबान को शाबान इसलिए कहा जाता है कि इसमें खैर कसीर फूटती हैं, और रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहा जाता है कि उसमें गुनाहों को बख्श दिया जाता है। इरशाद बारी ताला व रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तारु, तो तेरा रब जो कुछ चाहता है पैदा करता है और उसको मुंतखब फरमा लेता है। ये रब ताला जल्ला शानों की मर्जी है, उसकी शान है कि उसने मुंतखब फरमाया। अब इसी तरह जिस तरह आप तमाम अंबिया से अफजल हैं, उसी तरह आपका महीना शाबान भी तमाम महीनों से अफजल है। यहाँ पे एक चीज बयान करता चलूं कि जो मुंतखब फरमाया, क्या वरब्बु का यखलुकु मा यशाउ, और आपका रब जो चाहता है पैदा फरमाता है, वह यख्तारु और उसे मुंतखब फरमा लेता है। जैसा कि अभी ये हदीस पाक में आपके सामने अब बयान करने लगा हूँ कि अल्लाह करीम ने किन किन चीज़ों को फजीलत अता फरमा दी है। अल्लाह अकबर, गौर से समात फरमाइए, ये 11 चीज़ें हैं जिनको अल्लाह करीम ने फजीलत बख्शी है। वह यखलुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तारु, वह रब का और आपका रब जिस चीज़ को यखलुकु चाहता है पैदा फरमाता है, वह यख्तारु और उसे इंतखाब फरमा लेता है। और जैसा कि अल्लाह करीम ने 4 में से एक चीज़ को अफजल फरमा दिया, कैसे कि इंतखाब फरमा लिया, 4 में से एक को चुन लिया, जैसा कि मलाइका में से जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम, उन चारों में से अल्लाह करीम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को चुन लिया, उनको मुतबरक बना दिया, अल्लाह ताला की शान है। इसी तरह सहाबा किराम में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला, उसमें से अफ़ज़लुल बशर बादुल अंबिया हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
ये सुना है, क्या सुना है कि अली को देखना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, क्या अफ़ज़लुल बशर बादुल अंबिया हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला, तमाम अंबिया में से अंबिया के बाद जो सबसे अफजल तरीन है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने। ये सहाबा किराम आपस में इतनी वालेहाना मोहब्बत रखते थे, एक दूसरे का एहतराम करते थे, लेकिन आज 14 साल बाद पैदा होने वाले लोगों को पता नहीं क्या बीमारी है कि वो फर्क पैदा करते हैं। इसी तरह मस्जिदों में से तो ये हजरत उससे पहले यानी जैसा कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमा लिया, और इस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम में से चार का इंतखाब फरमाया गया, कैसे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और फिर अल्लाह करीम ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम के ऊपर फौकियत और फजीलत दी। और हजरत सहाबा इकराम का जिक्र आपके सामने कर चुका हूँ। इस तरह मस्जिदों में से चार मस्जिदों का इंतखाब किया, तो क्या मस्जिद हराम जिसे अब खाना काबा शरीफ कहते हैं, बैतुल्ला शरीफ, काबा शरीफ, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, और मदीना शरीफ की मस्जिद, और मस्जिद तूर सीना, फिर उनमें से काबा शरीफ को चुन लिया, यानी जो बैतुल्ला शरीफ है उसको चुन लिया। तो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम ने इस घर की फजीलत उस वक़्त मुकर्रर फरमा दी थी जब जिस वक़्त अल्लाह करीम ने जमीन व आसमानों को पैदा फरमाया था। अल्लाह अकबर। और इसके साथ साथ मेरे दोस्तों भाइयों, ये फजीलत के लिहाज से ना, वह रब का यखलुक मा यशा व यख्तार, और आपका रब जो चाहे वो पैदा फरमाए और जिसको चाहे उसका इंतखाब फरमा ले। इसी तरह ये शाबान की 15वीं रात का भी जिक्र फरमाया गया है, और क्या इरशाद फरमाया कि मस्जिदों में से मस्जिद हरम को सुन लिया अल्लाह करीम ने, और अय्याम में से चार दिनों को मुंतखब कर लिया, क्या, रोज़े फितर, रोज़े दुहा, रोज़े अरफा और रोज़े आशूरा, हरम, फिर उनमें से रोज़े हज को चुन लिया। तो रातों में से चार रातें मुंतखब कर ली, शबे बरात, शाबान की 15वीं जो शबे बरात जिसे आज की रात है, आज की रात इबादत की रात है, और शबे कदर जो कि लैलतुल कदर जिसे आप कहते हैं रमज़ान शरीफ में आती है, और शबे जुमा और शबे ईद, इन में से शबे कदर को चुन लिया। बस्तियों में से चार बस्तियों को इंतखाब किया, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और बैतुल मुकद्दस शरीफ, और मसाजिदुल अशायर में से मक्का शरीफ को चुन लिया। पहाड़ों में से चार पहाड़ जो है वो पैदा फरमाए, जबल उहद, तूर सीना, लुकाम और लबनान, उनमें से तूर सीना को चुन लिया, जहाँ जिस पर वो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में जाके हम कलाम होते थे। दरियाओं में से चार को अल्लाह करीम ने चुन लिया, यानी चार को चुना और उनमें से एक को जो है वो सबसे आला और अरफा कर दिया। तो जीहू, सीहू, नील, फरात और उनमें से फरात को चुन लिया। तो महीनों में से ये नहर फरात, ये वही के अपना दरियाओं में से बहुत से दरिया नील भी हुआ है, दरिया फरात भी हुआ है, और इसी तरह और भी बहुत सारे दरिया हुए हैं। एक दरिया वो था जिसको उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने ख़त लिखा कि वो जान लेता था हर साल, तो जब आपने ख़त लिखा तो वो अपने मुतवातर तरीके से चलना शुरू हो गया। तो उसमें से फरात को अल्लाह करीम ने चुन लिया। तो महीनों में से चार महीनों को मुंतखब किया, रजब, शाबान, रमज़ान और मुहर्रम, उनमें से शाबान को चुन लिया। तो शाबान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना करार दिया। बस जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल हैं, उसी तरह आपका महीना सब महीनों से अफजल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि व बारिक व सल्लम अलैहि कसीरन कसीरन कसीरा। तो ये इसी ज़िमन में वो जो 30 चीज़ों में से हदीस मुबारका में से जो ये बात आ गई कि आपके सामने इसको बयान किया, रब का यखलुकु मा यशाउ व यख्तारु, कि रब तआला जल्ला शानु जो चीज़ चाहे पैदा फरमाए और जिसे चाहे जिसका इंतखाब कर ले। तो जिन चीज़ों का इंतखाब किया ये हदीस की रोशनी में आपके सामने मुफसल तरीके से बयान किया है,
ताकि जहां तक भी ये बयान जाए बार बार सुना जाए तो ये इल्म की बात इसमें इजाफा हो। और इसके साथ साथ नौवीं चीज क्या है कि रजब अल्लाह ताला का शबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और रमजान उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। दसवीं, रजब की फजीलत कुरान की तरह शबान की फजीलत अंबिया पर सरकार की फजीलत है जी। रजब की फजीलत क्या है महीनों के ऊपर, जिस तरह कुरान को फजीलत है उस तरह रजब को तमाम महीनों के ऊपर भी फरमाया गया, ये एक फजीलत फरमाई गई है। रजब अल्लाह ताला का महीना, शबान की फजीलत अंबिया पर सरकार की फजीलत, जिस तरह तमाम नबियों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत है उसी तरह ये इस महीने की जो है वो फजीलत है। रमजान की मखलूक पर उस यानी रमजान की मखलूक पर रब की, जिस तरह रब ताला जल्ला शानो को मखलूक के ऊपर फजीलत है इसी तरह रमजान की अपनी जगह के ऊपर उसकी ये फजीलत मुकाम फरमाई गई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन शाबान में ज़कात, कर्ज, माल, जजा और सजा तमाम चीजें यानी अदा करके तो रमजानुल मुबारक के लिए अपने आप को फारिग कर लेते और गुस्ल करके मस्जिद में मुतकिफ हो जाते। अल्लाह अकबर, ये सहाबा किराम का तरीका मुबारक था। अभी रमजान मुबारक आने वाला है, दुआ करें मक्का पाक खुल जाए, मदीना पाक खुल जाए, मसाजिद खुल जाए और फिर रौनकें वो बहाल हो जाए मसाजिद की, कि जो अभी पूरी दुनिया के ऊपर मसाजिद बंद हैं, जुमा नहीं हो रहा, नमाजें नहीं हो रही, ये इसको क्या अज़ाब इलाही समझें या वो यहूद नसारा का फितना जिसे के पैदा किया गया है उसको समझें, क्या समझें। मालिक का निज़ाम है, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ और इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह तो हमें इस अजाब से महफूज फरमा। तो शबान मुकर्रम को उसके शीन आयन बे अलिफ नून, इसको मुख्तलिफ अल्फाज से तरतीब दिया गया है। शीन शरफ से है, आयन अलू से है, बे जो है वो बरात से है और अलिफ उल्फत से है, नून नूर से है, यानी ये इन सारी चीज़ों और इन सारे इनामात का महीना है कि इस महीने में ये सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें जो रवायत किया गया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला का ये उनसे मंसूब किया जाता है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं